आज हम लोग रसायन विज्ञान की एक नई श्रृंखला को चालू करेंगे, जिसके अंतर्गत हम क्लास ट्वेल्थ में आने वाली उन रासायनिक अभिक्रियाओं को डिटेल में पढ़ेंगे जो रासायनिक अभिक्रियाएं नाम के आधार पर आती हैं, अर्थात नेमिंग रिएक्शन को हम पहले पढ़ेंगे। तो आज से प्रतिदिन आपके पास नाम से आने वाली कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होंगी जो आपके पास पहुँचती रहेंगी, और अगर मैं इन नाम से आने वाली अभिक्रियाओं को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले जो मेरे पास अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का नाम है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। और हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया को आप कैसे कंप्लीट करोगे इसको देखते हैं। पहले मैंने जो लिख रखा है मैं उसको पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा हुआ है, जब किसी प्राथमिक एमाइड की अभिक्रिया, अगर आपके पास कोई एमाइड कंपाउंड है, प्राइमरी एमाइड कंपाउंड है, आप उसकी अभिक्रिया ब्रोमीन के क्षारीय विलयन के साथ करवा देते हो। अब क्षार के रूप में आप NaOH का सॉल्यूशन भी ले सकते हो, क्षार के रूप में आप KOH का भी सॉल्यूशन ले सकते हो। तो आप जब भी किसी प्राइमरी एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन से और उसके क्षारीय विलयन से करवाएंगे तो आप इस बात को देखोगे कि जो हमारा एमाइड कंपाउंड था वो एमाइड कंपाउंड प्राइमरी एमीन में चेंज हो जाता है, और किसी प्राइमरी एमाइड कंपाउंड का प्राइमरी एमीन कंपाउंड में चेंज हो जाना ही कहलाता है ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को पढ़ते हैं। देखो, आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कि ये एमाइड कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप याद रखेंगे, एमाइड कंपाउंड का फॉर्मूला होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एन एच टू। इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है Br2 से, और आपके पास रहना है या तो NaOH का सॉल्यूशन या KOH का सॉल्यूशन, आप इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही क्षार हैं। जो कार्य NaOH करेगा लगभग वैसा ही कार्य KOH करेगा। तो अगर मैं KOH को ले लेता हूं, क्योंकि एक को लेना ही है तो मैंने KOH को ले रखा है 4KOH, और रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले 2 Br के साथ रिएक्शन करेंगे, तो पहला पदार्थ आप बनाकर तैयार करिएगा 2KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट क्या होगा उसको ध्यान से देखते हैं। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट ये होगा कि इस पूरे फॉर्मूले से CO ग्रुप यहां से निकल जाएगा, और जैसे ही CO ग्रुप यहां से निकलेगा फॉर्मूला बनेगा RNH2, R सिंगल बॉन्ड NH2। अब मैं देखता हूं मेरे पास बचता क्या क्या है। तो मेरे पास सबसे पहले तो 4H बचे हुए हैं, और मेरे पास बचा हुआ है ऑक्सीजन के एटम। तो 4H अगर बचे हुए हैं तो वो 4H 2O को लेकर बना डालेंगे 2H2O। इसके बाद मैं देखता हूं मेरे पास क्या बचता है। तो आप जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। आपके पास के पोटेशियम 4 थे, आपने 2 खर्च कर लिए, अभी भी आपके पास पोटेशियम के 2 एटम हैं। अब अभी आप देखोगे तो आपने कहा था कि देखो ये CO ये यहां से हट गया था, तो आपके पास बचेगा CO, O में से एक O तो आप यहां से लाओगे, और मैं देखूंगा यहां कितने O बचे हैं। तो यहां टोटल O तो थे 4, लेकिन आपने उन 4 में से खर्च कर लिए हैं 2, तो आपके पास यहां 2 O बचे, एक O यहां से मिला है, तो टोटल O की संख्या कितनी हो गई, 3, अर्थात बनकर तैयार हुआ K2CO3। ये जो आपके पास अभिक्रिया लिखी है इसको हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया का जनरल फॉर्म कहते हैं, सामान्य रूप कहते हैं। लेकिन अब क्या आप कर सकते हो कि अब आप इस एक अभिक्रिया से आप बहुत सारे काम लिख सकते हो। जैसे अगर R की जगह पर आपके पास CH3 लिख कर दे देता है तो कहता सर अब हम क्या करेंगे, बेटा कुछ भी नहीं करना है, आपको जहां R लिखना था उसकी जगह पर आप CH3 लिख दोगे। रिएक्शन तो Br2 प्लस 4KOS से ही होगी, और अगर आप देखोगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा तो देखो R की जगह CH3 यूज किया है ना, तो बस यहां पर R की जगह पर आपको क्या लिख देना है, CH3 और साथ में NH2 लिखा है।
क्या अभिक्रिया पर और कहीं भी परिवर्तन आएगा? कहीं परिवर्तन नहीं आएगा। आप पूरे रिएक्शन को ऐसे ले सकते हैं, 2KBr था आप 2KBr कर सकते थे, 2H2O था आप 2H2O लिख लेंगे, इसके बाद K2CO3 था आप K2CO3 लिख देंगे। अच्छा, अभी इसके बाद एक और चेंज कर सकते हो आप। कहता है कि सर अभिक्रिया में CH3 नहीं देता है, कोई दूसरा कंपोनेंट दे देता है, कोई दूसरा ग्रुप दे देता है, CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, NH2। सॉरी, मैं इसको चेंज कर लेता हूं, C2H5। अगर C2H5 से आप रिएक्शन करवाओगे, आप रिएक्शन में क्या चेंज करोगे? तो बस मैं एक चेंज करने वाला हूं, 4KOH। इस बार R की जगह पर C2H5 आया है, तो मैं भी R की जगह पर C2H5 लिख दूंगा। जहां R लिखा है C2H5, इसके बाद NH2 था, NH2 को लिखेंगे, इसके बाद 2KBr था उसको भी लिखेंगे, 2H2O को रिप्रेजेंट किया गया था उसको भी लिखेंगे, और लास्ट में अपना K2CO3 को भी लिख देंगे। कभी कभी होता है क्या बेटा, आप हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया को एक दूसरे प्रकार से भी तैयार कर सकते हो। कहता है सर जी क्या दूसरे प्रकार से तैयार कर सकते हैं, उसको भी समझो। अगर आपने ध्यान दिया होगा, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया का इतना पार्ट फिक्स है, अगर लेफ्ट पे ये पार्ट लिखा है तो राइट पर ये पार्ट हर बार आपको मिलेगा। तो अगर कभी भी हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में आपको लेफ्ट का कुछ पार्ट दिख जाए, आपको एक काम करना है। क्या करना है? आप राइट पर, जैसे आपको Br2KOH लिखा दिखाई दिया, हम समझ गए हमें राइट साइड पर क्या लिखना है। क्या क्या लिखना है हमको? हमको लिखना है 2KBr प्लस 2H2O प्लस K2CO3। और इसके बाद ये तो आपने लेफ्ट का देखकर राइट में ऐसा लिख दिया, ये तो अपने को तैयार करके रखना है कि अगर लेफ्ट में ऐसा है राइट में इसको ऐसा लिख ही देना है। हाँ, अब मैं यहां पर का कंपोनेंट लिखता हूं, तो इस बार मैंने यहां पे जो कंपाउंड लिखा है मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। मैंने R की जगह पर एक एरिल ग्रुप को लगा रखा है जिसका फॉर्मूला होता है C6H5CO NH2। बेटा आपको याद रखना है, अगर आप इसको यहां पर ऐसा लिखते हैं तो आप गायब यहां से क्या करते थे CO को, तो बनेगा क्या C6H5NH2 अर्थात हम यहां C6H5CO को छोड़कर C6H5NH2 यहां लिख दिया करेंगे। ऊपर वाली अभिक्रिया में ऐसा ही हुआ है, C2H5CONH2 था तो CO को छोड़कर C2H5NH2 को लिख दिया गया, CH3CONH2 था CO को छोड़कर CH3NH2 लिख दिया गया, RCONH2 था CO को छोड़कर RNH2 को यहां पर लिख दिया गया। तो इस प्रकार से आप एक ही रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित कई रासायनिक समीकरण आप पढ़ सकते हो, सीख सकते हो और उसको समझ सकते हो। तो ये हो गई आपकी हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, जिसको आप डिफरेंट टाइप से आप करके आ सकते हो। तो बेटा आज हम लोग केवल हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, और हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद जो मेरे पास और भी नाम वाली रासायनिक अभिक्रियाएं बचती हैं, इसको आप धीरे धीरे एक एक करके पढ़ने को पाएंगे। तो धन्यवाद।